वीकली इमीग्रेशन अपडेट प्रोग्राम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत। सति श्री अकाल जी, मैं हाँ वरुण कौर मान, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। अमेरिका इस साल भारतीयों नूं जारी करेगा वधेरे ग्रीन कार्ड। कैनेडा यूएस दे सने विदेश लई 15 मार्च तो हटेगी पाबंदी। कोरोना तो पहलां वांग होणगीआं भारत वल्लों उड़ाणा। कैनेडा वल्लों स्पाउस वीजिआं लई अमल चलदी। कैनेडा दे वर्क परमिट दीआं अर्जीआं दा निपटारा तेज़। दुबई वल्लों भारतीय यात्रियों नूं वड्डी राहत। एयरपोर्ट ते रैपिड आरटीपीसीआर टेस्ट दी लोड़ खत्म। अमेरिका ने मलेशिया समेत 4 देशों नूं उच्च जोखम वाले सैर सपाटा स्थानों की सूची विच कीता शामिल। भारतीय एंबेसी रोम वल्लों पासपोर्ट जारी होण दा इंतजार कर रहे भारतीयों लई अहम खबर। कैनेडा प्रशासन कर रहा है पाकिस्तान वीजा अर्जियां नूं खारिज। वीकली इमीग्रेशन अपडेट। संयुक्त राज अमेरिका इस साल ज़्यादा भारतीयों नूं रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड उपलब्ध करवाएगा। अमेरिकी नागरिकता ते इमीग्रेशन सेवा मुताबक इस साल उच्च तरजीही श्रेणियां तहत भारतीयों लई ज़्यादा वीज़ा उपलब्ध होणगे। USCIS ने कहा है कि योग रोज़गार आधारित ग्रीन कार्ड बिनेकार उच्च तरजीह श्रेणी विच जा सकते ने, क्योंकि 30 सितंबर नूं खत्म होण वाले चालू वित्तीय साल लई इन्हां श्रेणियों विच उपलब्ध रोज़गार आधारित इमीग्रांट वीज़ा की गिणती ज़्यादा कर दी गई है। वित्तीय साल 2022 लई सारियां रोज़गार आधारित सालाना हद आम वल्लों लगभग दुगनी है, क्योंकि इस हद विच वित्तीय साल 2021 तो सारे बिना इस्तेमाल ते फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा संख्या शामिल है, जो लगभग 1,40,000 सी। योग बिनेकार अपनी स्थिति नूं तरजीही कर्मचारी जां दूजे एडवांस डिग्री जां असाधारण योग्यता वाले कम्मां नाल नॉन सिटीजन लई फाइल कर सकते ने। भारतीय नागरिकां नूं बिनेकारां दी वध संख्या कारण रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड लई सब तो लंबे समय तक उड़ीक समय दा सामना करना पैंदा है। immigration.com दे मैनेजिंग अटॉर्नी राजीव एस खन्ना ने कहा है कि उन्हां लोकां लई काफ़ी फायदेमंद होएगा जो कई सालां तों इंतजार कर रहे ने। असीं उम्मीद कर रहे हाँ कि जेकर तेजी नाल अगे वधदे हन तां बहुत सारे लोग EB2 श्रेणी तहत अपने ग्रीन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। बीते समय कई लोगों ने अपनिया एप्लीकेशनज नूं EB2 तो EB3 विच डाउनग्रेड कर दिता सी, क्योंकि वह श्रेणी तेजी नाल अगे वध रही सी। ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ EB2 ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ USCIS ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੋਟੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। कैनेडा यूएसए सने विदेश लई 15 मार्च तो पाबंदी हटा दी जाएगी। कौमांतरी उड़ाणा कोरोना तो पहला वांग ही चलणगियां। कोविड के मामलों में लगातार गिरावट को देखदिया सेहत मंत्रालय नाल सलाह तो बाद शहरी हवाबाजी मंत्रालय वालों फिर तो कौमांतरी उड़ाणा शुरू करन दा फैसला लिया गया। दस दिए कि मार्च 2020 कोरोना संक्रमण कारण भारत तो आउण जाण वालियां कौमांतरी उड़ाणा ते रोक लगाई गई सी। हालांकि जुलाई 2020 तो एयर बबल बंदोबस्त तहत भारत तो लगभग 40 देशों लई कौमांतरी उड़ाणा का संचालन शुरू हो गया सी। इस तहत सिर्फ उन्हां देशों विच यात्री उड़ाणा संचालित हुंदियां ने जिथे कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं जां फिर ना दे बराबर होवे। इस तो पहला DGCA ने 26 नवंबर 2021 नूं कहा कि भारत तो आउण जाण वाली नियमित कौमांतरी उड़ाणा 15 दसंबर तो बहाल हो जाणगियां, पर इस दे अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। फिर शहरी हवाबाजी मंत्री ज्योति आदित्य सिंधिया नाल गल करके कौमांतरी उड़ाणा का नियमित संचालन बहाल न करन दा उद्देश प्रगटाया सी। इस तो बाद DGCA ने अपना प्रस्ताव वापस लै लिया सी। कैनेडा दे इमीग्रेशन विभाग वल्लों स्पाउस वीज़ियां लई अमल जल्दी शुरू किया जा रहा है। इमीग्रेशन विभाग के मंत्री सैन फ्रेजर ने कहा कि स्पाउस वीज़े अप्लाई करन वाले मर्द ते औरतां ने इमीग्रेशन तो इसकी जानकारी भी मंगी सी कि उन्होंने सारे पेपर ठीक होने के बावजूद भी उन्होंने कोई जानकारी हासिल नहीं हो रही। असं उन्होंने दस रहे हाँ कि कोरोना ते होर कारण करके असी ये वीज़े रोक के रखे हुए सी, पर हुण नरम शर्तां उपर उन्होंने पूरियां करनियां पैणगियां ते उन्हां दीआं अर्जियां जल्द ही अमल हो रहा। दसना चाहते हाँ कि जिन्ह ने भी स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया है उस विच जो भी लड़का या लड़की कनेडा रहिंदे ने वो अपने वर्क परमिट ते 2 महीने की तनखाह ते कंपनी वालों दिते अथॉरिटी लैटर इमीग्रेशन नू जल्दी तो जल्दी भेज देन तां जो उन्हां दी वीज़ा प्रक्रिया नू जल्दी नेपरे चाढ़िया जा सके।
कैनेडा के इमीग्रेशन मंत्री शान फ्राइजर ने कहा है कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो तो चिट्ठी राही मिलियां हदायतों के अनुसार 85 मिलियन डॉलर के निवेश नाल इमीग्रेशन सिस्टम विच सुधार किए जा रहे हैं, जिस तहत निकट भविख विच अर्जियों का निपटारा तेजी नाल करन विच मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कनेडा का वर्क परमिट अप्लाई करन वाले विदेशी कामियां दीआं अर्जियों का निपटारा समावध तरीके नाल करना जरूरी है ताकि कनेडा की रुजगार मार्केट नूं लड़िंदे कामे मिल सकण अते देश की आर्थिकता नूं फायदा होवे। नियमां अनुसार कनेडा विच पुज्जे हुए विदेशियों के वर्क परमिट की अर्जी का फैसला 2 महीनों विच हो जाना चाहिए अते विदेशों तो वर्क परमिट अप्लाई करन वाले कामियां दीआं अर्जियां नूं 4 महीनों तो वध दा समा नहीं लगना चाहिए। अंकड़िया अनुसार विदेशी कामियां दी कनेडा विच दिलचस्पी वध रही है। बीते साल 4,20,000 तो बद लोगों ने कनेडा का वर्क परमिट अप्लाई किया, जबकि 2019 यह गिणती 4,50,000 के करीब सी। 2020 करोना महामारी तो पहला इमीग्रेशन महकमे वालों देश तो विदेशों तो मिलदी 87% अर्जियों का निपटारा निर्धारित समय में कर दिता जाता सी, पर महामारी दौरान काम काज में वड्डियां रुकावटों का सामना होने करके निपटारा करन विच खड़ौत आई। स्किल्ड वर्कर्स कैटेगरी विच इस समय एक्सप्रेस एंट्री दे 2,10,000 तो बाद प्रोफाइल बने हुए ने अते उन्हां लोकां नूं ड्रा निकलन तो बाद पक्की इमीग्रेशन अप्लाई करन दा सद्दा मिलण दी उड़ीक है। मंत्री फ्रेजर ने यह भी कहा कि व्यांदड़ां दे केसां दा फैसला अर्जी मिलण तो बाद 1 साल दे समय अंदर करन दा टीचा है अते उन्हां दे महकमे दे अधिकारी निर्धारित समय विच अर्जियां दा फैसला करन नूं पहल दे रहे ने। कोरोना की रफ्तार सारे देशों में मिठी पै रही है, जिस करके लाई गई पाबंदियों में राहत दी जा रही है। दुबई ने भी मंगलवार को इस हफ्ते बड़ा ऐलान करते हुए भारतीय यात्रियों लई UAE जाण तो पहला भारतीय एयरपोर्ट से रैपिड RT-PCR टैसट की लोड़ नूं हटा दिता। दुबई एयरपोर्ट वालों जारी की गई एडवाइजरी विच भारत, श्रीलंका, बंगलादेश अते पाकिस्तान के यात्रियों लई यात्रा दीआं लोड़ां नूं अपडेट किया है। ताज़ा एडवाइजरी मुताबक भारतीय नागरिकां नूं इक मानता प्राप्त सेहत सेवा प्रदाता तो दुबई फ्लाइट विच उड़ान भरन तो 48 घंटे पहला एक नैगेटिव COVID-19 टैसट सर्टिफिकेट पेश करन दी लोड़ है। दुबई पहुंचण ते यात्रियों नूं PCR टैसट करवाउण दी लोड़ होएगी। ट्रांजिट यात्रियों लई अंतिम मंजिल ते एंट्री नूं नियंत्रित करन वाले नियम लागू होणगे। यात्रा दीआं शर्तां पूरियां होण नूं यकीनी बनाउण दी जिम्मेवारी एयरलाइन ऑपरेटरां दी होएगी। यात्रा दीआं जरूरतां विच सोध नाल वड्डी गिणती विच भारतीयां नूं सौख होएगी जो इत्थे रहिंदे ने जां अक्सर इस देश दी यात्रा करदे ने। अमेरिका ने मलेशिया समेत 4 एशियाई देशों नूं यात्रा लई सब तो वध जोखम वाले स्थानों की सूची विच शामिल किया है। US सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रवेंशन ने मंगलवार को भूटान, बरूनई, ईरान और मलेशिया नूं 4th श्रेणी विच शामिल किया। CDC किसी स्थान नूं श्रेणी 4th वजो उदो सूचीबद्ध करता है जदों उत्थे पिछले 28 दिनों विच प्रति 1 लाख आबादी ते 500 तो वध करोना केस दर्ज किए जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान विच CDC की चोटी की 4th श्रेणी विच 140 देशों के नाम ने जो दुनिया भर में ओमिक्रॉन के तेजी नाल फैलन नूं दर्शाता है। जनवरी की शुरुआत विच इस सूची च सिर्फ 80 देश सी। पिछले हफ्ते दक्षणी कोरिया ते फ्रेंच पॉलीनेशिया नूं 4th दर्जे की सूची विच शामिल किया गया। CNN के अनुसार मैक्सिको, कनेडा, फ्रांस, पेरू, सिंगापुर अते स्पेन नूं भी लंबे समय तो इस श्रेणी विच शामिल किया गया। ब्रिटेन जुलाई 2021 तो इस सूची विच मौजूद है। US के राष्ट्रपति जो बाइडन ने मंगलवार को घोषणा की कि अमरीका रूसी बैंकों ते कुलीन वर्ग के खिलाफ सख्त वित्तीय पाबंदियों का आदेश दे रहा है। 24 फरवरी 2022 दिन वीरवार दोपहर 2 बजे तो बाद विशेष ओपन हॉल प्रोग्राम विच भारतीय अंबैसी विखे उलीकिया गया, जिस विच अंबैसी अधिकारी हर उस भारतीय नूं विस्थारपूर्वक जानकारी दित्ती जिन्हां पिछले समय दौरान भारतीय अंबैसी रूम विच नवां पासपोर्ट जां रीन्यू पासपोर्ट अप्लाई कीता पर हुण तक उन्हां नूं पासपोर्ट नहीं मिलिया। वह भारतीय ओपन हाउस प्रोग्राम विच पहुँच के लाहा लए अते उन्होंने पासपोर्ट जारी ना होण दे असल कारण भी पता लगे ते उह कारणां दा हल करके अपना पासपोर्ट प्राप्त भी कर सकते ने। यह प्रोग्राम फिलहाल 24 फरवरी नूं हो रहा सी। हो सकता है कि आने वाले समय विच अंबैसी इस नूं महीनावार भी कर देवे। इस मौके अंबैसी अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी है कि इस समय अंबैसी विच 1,590 पासपोर्ट तैयार ने पर बिनेकर्ता इस नूं लैण लई नहीं आ रहे। अक्सर यह देखा जा रहा है कि जदों बिनेकर्ता कोल पासपोर्ट नहीं हुंदा तां उह अंबैसी बार बार आउंदे ने ते जदों उन्हां दी अर्जी अंबैसी वल्लों स्वीकार कर ली जाती है तां बिनेकर्ता कई कई महीने अंबैसी अपना
तैयार होया पासपोर्ट लैण नहीं आते। सो उन्होंने समूह भारतीयों को अपील है कि अपना पासपोर्ट जल्द अंबैसी तो आके प्राप्त कर, जिन्होंने 3 महीने पहला पासपोर्ट अप्लाई किया। पाकिस्तानी विद्यार्थियों दीयां वीज़ा अर्जियां नूं कनेडा प्रशासन रद्द करन जा रहा। इन्हां विद्यार्थियों दीयां विद्यक पिटभूमि कनेडा च उन्हां दा ज़्यादा प्रवास नजायज़ इमीग्रेशन ते धांधली वीज़ा रद्द होण दे कारणां च शामिल है। पाकिस्तान उन्हां देशां च शामिल है जिथे 60 लाख इमीग्रांट रहिंदे ने। इह कुल आबादी दा 3% है। कनेडा च नजायज़ इमीग्रेशन दे विनेकारां दी वड्डी गिणती च पेंडिंग मामले ने। कनेडा तों फर्जी वीज़ा लै के आउण कारण कई पाकिस्तानी नागरिकां नूं 2018 च गिरफ्तार किया गया सी। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। 2018 ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ 'ਚ ਵਾਜ਼ਦ ਅਲੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਨਾਇਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ $11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀਕਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।